नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी रोड पे और यहाँ पे मोनिबा मंदिर के पास टीकाराम घोड़ी वाले के पास आज यहाँ इस रोड से सांसद मनोज तिवारी की पद यात्रा शुरू होने वाली है। और आप मेरे पीछे देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं। विधायक अजय महावर, जिलाध्यक्ष पूनम चौहान, राजकुमार बल्लन, वीसी वशिष्ठ, मुकेश गोयल, नीरज गुप्ता, प्रीति गुप्ता जो कि निगम पार्षद है इसी एरिया से, और अनिल गौड़ वो भी यहाँ पे हैं। साथ ही साथ जितेंद्र भदौरिया और भुवनेश सिंगल, ऐसे सभी नेता यहाँ मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है सांसद मनोज तिवारी का, क्योंकि पद यात्रा अभी कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और यहाँ के निवासी इस समय रोड पे मौजूद है। आपको दिख रहा होगा कि अच्छी खासी भीड़ है और यह पद यात्रा इस इलाके में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इस इलाके में सांसद मनोज तिवारी का आना और यहाँ के लोगों का पलायन का मुद्दा उठाना यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पलायन यहाँ पे लगातार होता रहा है। यहाँ से कंप्लेंट लगातार आती रही है, जिसका आज यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग भी सांसद मनोज तिवारी से बोलेंगे और इन सब चीजों पे भी सांसद मनोज तिवारी ध्यान देंगे, इसका भी उन लोगों को इंतजार है। आप देखिए, सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा उनके साथ यहाँ पे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जितेंद्र भदौरिया लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे लोगों का जनसैलाब ये देखिए। जिलाध्यक्ष पूनम चौहान उनका स्वागत करते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सांसद मनोज तिवारी। विधायक अजय महावर, वीसी वशिष्ठ, राजकुमार बल्लन और भुवनेश सिंगल, सभी लोग उनका स्वागत करते हुए, और ये पद यात्रा अभी कुछ ही क्षणों में शुरू हो रही है। ये देखिए लोगों की यहाँ भीड़, और जिस तरीके से लोगों में उत्साह है ये अपने आप में बताता है कि लोग इस बार यहाँ के ब्रह्मपुरी के वो निवासी, वो लोग यहाँ पे क्या मूड बना चुके हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश है, ये अपने आप पे देखने वाली बात है। सभी कार्यकर्ताओं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सांसद मनोज तिवारी, और इस समय उनके पीछे जनसैलाब उमड़ चुका है और साथ में क्षेत्र विधायक अजय महावर, राजकुमार बल्लन, बीसी वशिष्ठ, जितेंद्र भदौरिया और भुवनेश सिंगल, ये सभी लोग उनके साथ मौजूद हैं। और आप एक बार पीछे पूरा जनसैलाब देखिए, बड़ी संख्या में लोग इस समय उनके साथ है और ये जनसैलाब अब धीमे धीमे पद यात्रा में तब्दील होता हुआ और ये पद यात्रा अब शुरू होती हुई। जिस तरीके से लोग अभिवादन कर रहे हैं सांसद मनोज तिवारी का, उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को यहाँ पे माला देकर उनका स्वागत करते हुए, और अब ये पद यात्रा आगे की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मपुरी रोड, मोनी बाबा रोड और यहाँ से रघुनाथ मंदिर, टीकाराम घोड़ी वाला और ऐसी सभी जगह से होते हुए आगे अब ये पद यात्रा बढ़ चुकी है और बीजेपी के झंडे लगातार लहराते हुए और लोगों में जिस तरीके का जनसैलाब है, उत्साह है, ये अपने आप में बयां करता है कि यहाँ से भी भारी सपोर्ट सांसद मनोज तिवारी को मिल रहा है। और लोग ये देखिए अपने अपनी छतों से, अपने अपने घरों से इनका अभिवादन कर रहे हैं। Hey!
मेरे भैया। देखिए ये तो गलियों की पदयात्रा है, मगर इसमें भी जो लोग प्यार दे रहे हैं घरों के आगे खड़े, वो निशब्द हूँ मैं। लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए और अपने मनोज तिवारी के लिए बहुत प्यार बरसा रहे हैं। बहुत हृदय से धन्यवाद। निश्चित रूप से वो हमारा, हमारी सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है और हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप मोदी की सुरक्षा पे विश्वास करें। मनोज तिवारी आपकी सेवा में है और हम सभी मिलकर इस देश को सुरक्षित भी करेंगे। बेटा, बेटियों को उनकी मुस्कान देंगे और एक सुरक्षित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ साथ प्यारा हिंदुस्तान देंगे। 709 में देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड दिया। देखो भाई बहन, आपको याद रहे कि हम लोगों ने शास्त्री पार्क का अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लगाया है। तीसरे पुस्ता, चौथे पुस्ता, और हमें पूरा विश्वास है अब अपराधियों के हौसले बस्त हो रहे हैं। ईमानदार लोगों के और महिलाओं के, युवाओं के, किसानों के, गरीबों के, उनके अच्छे दिन हैं। सभी को मैं आह्वान करता हूं, आइए और एक बेहतर भारत के लिए कमल का बटन दबाइए। देखिए मनोज तिवारी जी के लिए और आदरणीय मोदी जी के लिए जनता उमड़ घुमड़ रही है। गोंडा जो हमारा ये विधानसभा है, इस गोंडा विधानसभा से हम 70% से ज्यादा वोट लेकर जीतने वाले हैं। यह मैं प्रमाणिकता से कह रहा हूँ। 5 तारीख को एन भारत टीवी जरूर इस पर चर्चा करे कि हम 2/3 बहुमत से ज्यादा इस विधानसभा को जीतने वाले हैं और यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। आज मनोज तिवारी जी की पदयात्रा है जो टीकर राम घोड़ी वाले से एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी पंजाब बैंड होकर के 8 नंबर गली से डाक खाने वाली गली जाएगी, वहां से 4th पुस्ते की ओर वो प्रस्थान करेगी। आज जितनी भारी संख्या में यहाँ जन भागीदारी हो रही है, इससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि मनोज तिवारी जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 400 पार की सरकार बनाएंगे। देखिए आज गोंडा विधानसभा के ब्रह्मपुरी मंडल में ये मनोज तिवारी जी की पद यात्रा है और आप देख रहे हैं कि पब्लिक में इतना जोश है कि सुबह 8 बजे से यहाँ सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और अभी हमारे बीच मनोज तिवारी जी पहुँच चुके हैं। गोंडा और उत्तरपुरी लोकसभा ने निश्चय कर लिया है कि अब की बार मनोज तिवारी जी को 5 लाख के पार करके भेजेंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग की जमानत जब्त करके वहीं पर दोबारा बिहार में भेजेंगे, ऐसा संकल्प गोंडा की जनता ने लिया है, उत्तरपुरी लोकसभा ने लिया है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से नरेंद्र मोदी जी को और मनोज तिवारी जी को जिताया था। अजय महार जी को भी सबसे ज्यादा मतों से जिताया था। इस बार भी सबसे ज्यादा मतों से मनोज तिवारी जी को लोकसभा में यह इस वार्ड से जीत कर जाएंगे, यह हमें पूरा भरोसा है। उसका पहली बात तो यह है कि मोदी में वातावरण है और यहाँ के वातावरण में मोदी जी के लिए बहुत सकारात्मक वेव्स हैं। अजय महार जी के कार्यों के कारण यहाँ बहुत सकारात्मक संदेश जा रहा है और आपको निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे उसमें वो दिखेगा भी। इस इलाके में माननीय सांसद जी ने बहुत ज़्यादा काम भी किया है और पहले जो रिजल्ट रहा है मतदाता का, लगभग 70% वोट के साथ यहाँ की विधानसभा सांसद जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताएगी और जीत की ओर सबसे दिल्ली में सबसे टॉप विधानसभा रहेगी और जो 400 पार में आयुति देगी। आप देख रहे हो हमने आज टीकराम घोड़ी से पदयात्रा शुरू की है।
और लगभग हर घर से हर मकान से जन सैलाब उमड़ के आया है, स्वागत कर रहा है हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी का, फूलों से अपना आशीर्वाद दे रहा है, अपना समर्थन दे रहा है। और इस बार हमारे यहाँ से कम 5 लाख पार पूरी लोकसभा से हम जीतेंगे, मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन देंगे। ब्रह्मपुर वार्ड से लगभग कुछ नहीं तो मैं 30,000 से ऊपर का जीत का वादा करता हूँ भाई साहब से, आशीर्वाद दिया जा रहा है। मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता मनोज तिवारी जी भैया को इस बार पुनः 3री बार लोकसभा सांसद में पहुंचाएगी और 30,000 वोटों से ज्यादा का मतदान मेरे यहाँ से रहेगा। पूरा आप देख रहे हो कितना जनसैलाब अपना आशीर्वाद दे रहा है, जनता को आशीर्वाद मिल रहा है मनोज तिवारी जी का। बिल्कुल 400 पार होगा आज की भव्य यात्रा देख के। ये ब्रह्मपुरी वार्ड की यात्रा नहीं है, ये पूरी लोकसभा की पूरी देश की यात्रा है। ये ब्रह्मपुरी वार्ड ने आज दिखा दिया है कि हम लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और पूरा देश जीतेंगे। 400 पार के साथ आएंगे और जो देशद्रोही ताकते जो लोग देशद्रोही कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो भी देखेंगे, पूरा विश्व भी, विश्व की ताकतें भी मिल जाएंगी तो भी हमारे मोदी जी को हरा नहीं पाएंगी। 400 पार का आंकड़ा इस बार पार होने वाला है, 400 से पार जाएगा, 500 के नजदीक जाएगा क्योंकि पक्का 400 पार, क्योंकि मनोज तिवारी ने जो साधारण उनका मिलने का तरीका है कार्यकर्ताओं से, जो कार्यकर्ताओं की देखभाल करते हैं, वो रख रखाव करते हैं, जो क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं सिग्नेचर ब्रिज जैसे, और मेरठ के लिए, हापुड़ के लिए जो रास्ता दिए हैं, सीलमपुर का सिग्नेचर दिया है, ऐसे रोड दिए हैं जहाँ पर हर टाइम जाम रहता था, वो उन्होंने एक हमें बहुत अच्छी गिफ्ट दी है। बिल्कुल होगा, 400 से ज्यादा पार होगा, हमारे मोदी सरकार ही बहुत काम किया है, सांसद जी ने बहुत काम किया और आप भी कर रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं है, हीरो है कन्हैया कुमार, बिल्कुल कन्हैया कुमार, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, गारंटी दी है, सुकन्या योजना दी है, महिलाओं के लिए लखपति दीदी लाए योजना लाए, मोदी जी की गारंटी है तो गारंटी योजना कामयाब होगी। 400 पार बिल्कुल गारंटी, 400 पार होगा क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, बहुत इसमें भी कुछ बनाया, योजना दी है महिलाओं को, मनोज तिवारी जीतेंगे, मनोज खिलेगा, कमल खिलेगा ईमानदारी से, जो ईमानदारी बिल्कुल हो जाएगा जी साहब, तो उसने विकास किया है तो हो ही जाएगा, हाँ किया है।